तू जरूर जाके बता देना। पता है बेटा, जब मैं बहुत छोटी थी ना, तब मेरी शादी करवा दी गई थी, वो भी मेरे बच्चे के खिलाफ। और मेरे भी कुछ सपने थे, मुझे भी पढ़ना था, मुझे भी कुछ बनना था, लेकिन मेरे सारे सपने सपने ही रह गए। तभी मैंने सोचा जब मेरे बच्चे होंगे ना, तब मैं उनकी सारी पढ़ाई लिखाई करवाऊंगी और उनके सारे सपने सच करवाऊंगी। अच्छा तू ये सब छोड़, तू जाके हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए खाना लगाती हूँ। ओके मम्मी। जोरदार तालियां हो जाए। और मैं जजिस महोदय से जानना चाहूंगा कि वो नाटक के बारे में क्या करते हैं। बैठ के देखिए। तो मैं इस नन्ही मुन्नी बच्चियों के डांस के बारे में मैं चाहूंगा कि हमारे उपाध्यक्ष महोदय कुछ बोले। छोटी नन्ही मुन्नी बच्चियों ने जो उन्होंने सभी बच्चियां उसकी नन्ही मुन्नी बच्चियों ने
सभी यहाँ पर किया था, सभी माताएं सभी बहनों को अनुभव किया कि सभी ने अपने पापा को अपने पिता को माता तैयार रहती है। और इस डांस के द्वारा चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से कि सबसे प्यारा कौन, सबसे प्यारा कौन। मैं आपको हृदय में छुआने के लिए पूछता हूँ कि यह जो नृत्य डांस था, यह नाटक प्रस्तुत किया गया, इसे आंख में आंसू आने वाला नाटक था। मैं इन बच्चियों को बहुत बहुत आशीर्वाद और धन्यवाद और इस स्कूल के प्रधानाचार्य और हमारे तो इसके लिए हर एक साल मंच पर तीन जज बैठे रहते हैं और तीनों जजों का अपने अपने मुताबिक जो नंबर मिलता है उसी से विवाह दोनों का जीवन होगा तबाह। बाल विवाह अपराध है, लड़का हो या लड़की दोनों के लिए श्राप है। अगला प्रोग्राम एक तो कथैया तेरा रंग सांवला, जिसे लेकर बहने जुड़े हुए हैं राधा कृष्ण जी का रास लीला विद्यालय में निःशुल्क नामांकन किया जा रहा है। इस अवसर का लाभ उठाएं और हमारे विद्यालय में नामांकन अवश्य करवाएं। कोई फूहड़ नाटक फूहड़ गाना नहीं था, जो था भी सब संस्कार से युक्त और धार्मिक था। अतः मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप अपने बच्चों का अवश्य नामांकन करावे, अवश्य नामांकन करावे, अवश्य नामांकन करावे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय माँ सरस्वती। अभी आप एक प्रोग्राम देख, पहले तो आप सभी को सरस्वती पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा कि हम लोग जानते हैं आज सरस्वती पूजा तो है, लेकिन आज हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी चीज जो एक हमारे पुलवामा में हुए अटैक 14 फरवरी 2019 को हुई थी, तो हम चाहते हैं कि उनकी यादों में आज हम लोग उनके लिए जोरदार नारा लगाएं, ताकि उन जवानों को भी अच्छा लगे और हमें भी अच्छा लगे। और हम चाहते हैं कि ऐसा करने से सभी लोगों में एक अच्छा मैसेज जाए, ताकि आने वाले पीढ़ी भी हमसे कुछ सीखे, कुछ जाने और उसे उस चीज पे अमल करने की कोशिश करें। तो आइए और हमारे साथ एक बार जोरदार नारा लगाइए, भारत माता की, भारत माता की, सरस्वती माता की, सरस्वती माता की, पुलवामा में शहीद वीर जवानों की, पुलवामा में शहीद वीर जवानों की, भारत माता की। थैंक यू। ब्यूटी सुनेना और रितिका, हाँ जो बहुत अच्छा है, पुराना यहाँ ताजा किए, आप आइए और सचिव महोदय के ना पड़ेगा भटकना फेक शेयर और व्यूज पर, क्योंकि क्या कब कहां कैसे की सबसे तेज और सटीक कवरेज मिलेगी आपको BNB ऑल इंडिया न्यूज पर। हर खबर को आप तक पहुंचाने से पहले खरे सोने की तरह तौलेगा। आप बने रहें BNB ऑल इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि BNB सच है तो बोलेगा।